ऐसे में रोड शो के बाद बीमार हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस वक्त दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी तबीयत अब बेहतर है। सोनिया का हालचाल लेने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अस्पताल पहुंचे। अहमद पटेल और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर समेत कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता भी सोनिया गांधी का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि कल रोड शो के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से वो पार्टी की रैली को संबोधित नहीं कर पाई। सोनिया पहले से तय अपने कार्यक्रम के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी नहीं कर पाई और जल्दी उन्हें रोड शो को अधूरा छोड़ के दिल्ली रवाना होना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी तबीयत बिगड़ी थी उसके बाद अस्पताल में भर्ती है वो। वाराणसी में रोड शो के दौरान बीमार हुई कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को सीआरआर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। देर रात उन्हें विशेष विमान से जो है यहां आरआर हॉस्पिटल में लाया गया और जहां पर उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल डॉक्टरों का एक पैनल उनके जो है निगरानी कर रहा है और स्थिति पहले से काफी बेहतर बताई जा रही है। इस समय सोनिया गांधी से मिलने के लिए कांग्रेस के तमाम आला नेता राज बब्बर, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद जैसे तमाम कांग्रेसी नेता तो यहां पर मौजूद हैं ही हैं। राहुल और प्रियंका तो रात से ही यहां पर मौजूद हैं और उनके साथ बने हुए हैं। साथ ही रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी आकर के सोनिया गांधी से मुलाकात की है और उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। तो बीती रात लगभग 11:30 बजे यहां पर सोनिया गांधी को लाया गया था, क्योंकि ये एयरपोर्ट से सबसे पास हॉस्पिटल था और यहां पर उनको ला करके उनका इलाज शुरू हुआ। सोनिया गांधी को डिहाइड्रेशन और तेज बुखार की शिकायत थी। पहले वाराणसी के एयरपोर्ट में उनका प्राथमिक उपचार किया गया, उसके बाद विशेष विमान से ला करके आरआर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जय के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, इंडिया 24/7। और इस वक्त ब्रजेश जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। ब्रजेश, क्या बताया जा रहा है अभी, कैसी तबीयत है, कब तक डिस्चार्ज किया जाएगा सोनिया गांधी को? देखिए, अभी मेडिकल बुलेटिन नहीं आया है इसलिए कह पाना मुश्किल है कि आखिर सोनिया गांधी को कब तक डिस्चार्ज किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेसी नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है हॉस्पिटल से कि उनकी स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है। कल जब रात में लाया गया था तब उनको तेज बुखार था, डिहाइड्रेशन की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों के पैनल ने लगातार निगरानी की, उनका ट्रीटमेंट किया और अब स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हैं। उनका बुखार भी कम है और डिहाइड्रेशन में भी कमी है। ब्लड प्रेशर भी उनका जो है काफी कम बताया जा रहा था, लेकिन वो भी अब काफी बेहतर है। तो कुल मिलाकर के सोनिया गांधी की स्थिति बेहतर है। तमाम कांग्रेसी आला नेता मौके पर मौजूद हैं। प्रियंका और राहुल गांधी तो रात से ही लगातार उनके पास मौजूद हैं और जो अभी खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी आए थे वहां पर और आकर के उन्होंने उनका हालचाल जाना और साथ ही जो अस्पताल प्रशासन है उसको सख्त हिदायत दी है कि पूरी मुस्तैदी से ट्रीटमेंट किया जाए और कहीं भी इलाज में किसी तरह कोई खामी नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्थितियां काफ़ी बेहतर हैं और अस्पताल प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ इलाज में जुटा हुआ है। अब शायद संभावना है कि कुछ देर बाद उनका मेडिकल बुलेटिन आए और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर सोनिया गांधी को कब तक अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। क्या पहले से भी तबीयत खराब थी, कुछ इसके बारे में पता लग पा रहा हूँ? बिल्कुल, जो कांग्रेसी नेता बता रहे हैं कि उनको रोड शो में जाने से पहले ही बुखार की समस्या थी, लेकिन चूंकि पहले प्लान हो चुका था रोड शो और वो कैंसिल नहीं करना चाहती थी इसलिए वाराणसी गई और उन्होंने रोड शो जितना हो सका उतना रोड शो में वो मतलब शामिल हुई, लेकिन उसके बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तब उनको प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद फिर दिल्ली लाया गया। पहले उन्हें सरगंगाराम अस्पताल में उनको एडमिट कराया जाना था, लेकिन चूंकि स्थिति उनकी ज़्यादा खराब थी इसलिए एयरपोर्ट से नज़दीक होने की वजह से आरआर हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया और उसके बाद अब उनका इलाज चल रहा है। चलिए ब्रजेश, अपडेट लेंगे जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा ब्रजेश जानकारी दे रहे हैं, थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। फिलहाल अभी सोनिया गांधी की हालत और सेहत ठीक बताई जा रही है।